नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। छपरा में जहरीली शराब कांड अब बिहार का सबसे बड़ा शराब कांड बन चुका है और इसमें लगभग 70 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में सभी दलों का मानना है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। 2016 में भी मुआवजा मिला था गोपालगंज शराब कांड में। जीतनराम मांझी ने कई बयान दिए हैं, उन्हीं बयानों में से एक बयान ये भी है कि बिहार सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। दानिश सिजवान है प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। दानिश जी, क्या कहते हैं, जीतनराम मांझी जी ने भी समर्थन किया है शराब कांड में कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, निसंदेह लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब पूर्व में इस तरह की कार्रवाई हुई है तो हमें लगता है कि जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उसके दर्द पर मरहम लगाए जाने की आवश्यकता है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कई एक ऐसा परिवार है जहां अब महिलाओं को छोड़कर कोई बचा नहीं है, तो आखिर अब उनके उनके सामने खाने पीने की समस्या हो जाएगी, आम दिनों की समस्या हो जाएगी, तो कम से कम फौरी तौर पे थोड़ी बहुत राहत तो कम मुआवजे से मिलेगी। इसलिए हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने, हमारे तपाड़ी ने स्पष्ट किया है कि किसी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पहले भी चर्चा थी कि जीतनराम मांझी जब बयान देते हैं शराबबंदी पर तो विवाद हो जाता है। क्या जीतनराम मांझी पहले सही बोल रहे थे जो अब कहीं ना कहीं धरातल पर दिख रही है? देखिए, जीतनराम मांझी साहब ने कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है जी। जो करा है समाज हित में करा है, राज्य हित में करा है, राष्ट्र हित में करा है जी जी। और पूर्व में जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने आशंका जाहिर किया था वो अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान जो मसला है वो मसला मुआवजे का मसला है और हमारे दल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और चूंकि पूर्व में भी ये परिपाटी रही है, आप अगर गोपालगंज शराब कांड के मसले को देखेंगे तो वहां भी जब मुआवजा मिला था, तो हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मालिक बेदर्द हो तो फरियाद किससे किया जाए, कहाँ किया जाए, मांझी जी का यह बयान है। मालिक नीतीश कुमार को बता रहे हैं क्या? देखिए, सरकार को उन्होंने बताया है कि सरकार अब बेदर्द हो गई है। उन्होंने जो अपना जो दुख है वो व्यक्त किया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बेदर्दी से काम नहीं चलेगा, किसको हम फरियाद करेंगे, आम जनता किससे बात करेगी। विधानसभा में सदन के सदस्य कह रहे हैं, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, तो आखिर हम अपनी फरियाद किससे लगाएंगे? अगर जब मालिक ही नहीं सुनेगा, नेता ही नहीं सुनेंगे, तो कौन सुनेगा? इसीलिए उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। हालांकि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और आम जनता की राहत के बारे में हमेशा उन्होंने सोचा है, तो जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। खबर यह है कि जो नया सत्र बजट का आएगा उसके पहले मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, इसलिए कि दो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, तो क्या आप लोग भी अपनी मांगों को आगे करेंगे? हर बार आप लोगों ने अपनी मांगों को आगे किया है लेकिन उसे दरकिनार किया गया है। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का मसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार का मसला होता है और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाएंगे, किसे नहीं मंत्री बनाएंगे। जी जी। रही बात हम अपने लिए अगर मांग करते हैं तो हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी उस मसले पर विचार करेंगे, संतोष कुमार सुमन जी इस मसले पर विचार करेंगे और जो भी होगा वो एक बार हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि किस एजेंडे की तरफ आगे बढ़ना है। एनडीए गठबंधन में आने की बात चल रही है, महागठबंधन में आप लोगों को तकलीफ है क्या? भाजपा कई प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि 24 से पहले मांझी जी आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने वो कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली मांगों को लेकर आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी पे बातचीत हो रही है और हमें लगता है कि जल्दी कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और उसको बना भी लिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।